press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो पाकिस्तान को जम के धोएंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बुला बुला करके यहाँ पर निकाह करके या फेरा लेकर के वो रख रहे हैं, और इसका एक बदनुमा शक्ल तब नजर आएगा हम सबके सामने जब पीओजेके को हम लोग लेने के लिए खड़े होंगे। तब ये जितनी भी नाजुक लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई यहाँ पर अहलिया और बीवी और धर्म पत्नी बन करके बैठी हैं, इनका सही रूप उस वक्त नजर में आएगा, क्योंकि हनी ट्रैप के मामले में पाकिस्तान हमेशा से बड़ा ये रहा है। पर उमर अब्दुल्ला की बीवी तो हिंदू थी, उसका तो नरसंहार नहीं हुआ, उसका तो बलात्कार नहीं हुआ, उसको तो जिंदा दफन नहीं किया गया, वो तो सेफ रही, सिक्योर रही। ऐसा क्यों सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बीवी हिंदू थी वो खत्म नहीं हुई, उसका तो रेप भी नहीं हुआ, मोलेस्टेशन भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आस्तीन के सांप को पकड़ करके पहले इन्वेस्टिगेशन में बैठाना जरूरी है, और तब जाकर के पीओके को वापस लेकर के अखंड भारत बनाना भी जरूरी है। से ना निकल जाए, इसलिए फिर से दोबारा टेररिस्टों को रोटी बोटी देना है, उनको पालना पोसना है, और उनको इतनी जगह देनी है कि वो फिर से तैयार हो जाएं भारत के विरोध में अपनी भूमिका निभाने के लिए। नाज़िया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर में जो भारत का मोस्ट वांटेड एक आतंकी था गाजी शहजाद, वो उस जेल से भाग गया, और वो तो खुद भाग गए, साथ ही साथ 18 और कैदी भी भाग गए। कहा यह जा रहा है कि इस पूरी वारदात के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के अगर हाथ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि गाजी शहजाद को भगाने के पीछे पाकिस्तान का मकसद आखिर क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया था, और शपथ समारोह की तैयारी जिस हिसाब से भारत के राजधानी दिल्ली में हो रही थी, उस वक्त एक खबर आई थी अंबर, जिसमें ये दिखाया गया था कि चाइना और पाकिस्तान का हलचल जो है वो बॉर्डर पर काफी बढ़ चुका है, और एक अजीब किस्म की ट्रेनिंग और कुछ असलाह बारूद के इंतजाम जो है वो बॉर्डर पर वो बहुत सख्त तरीके से कर रहे हैं। उससे थोड़ा और पहले आप जाइएगा तो नवंबर 2023 में जब अरब के कुछ लोगों को ट्रेनिंग हमारे बॉर्डर पर दिया जा रहा था, तो पाकिस्तान ने काफी उस पर नुक्ताचीनी की थी, हालांकि वो हमारा एरिया था, तो हम अपने एरिया पे कुछ भी करें उनको कोई जरूरत नहीं होती है बोलने की। उसके बाद फिर जैसे जैसे डॉक्टर एस जयशंकर हैं या अजीत डोवल जी हैं, और अजीत डोवल जी से ना जितने भी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में वो बड़ा कांपते हैं, वो बड़ा डरते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से दाऊद इब्राहिम के ऊपर अजीत डोवल जी के पूरे मतलब एक स्ट्रैटेजी ने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का जो प्लान किया था वो याद है लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। द सेकेंड थिंग इज के ऑपरेशन स्कॉर्पियो अजीत डोवल जी के लीडरशिप में जो हुआ था, और हाफिज सईद का सिनेरियो पूरा चिट्ठा मिट्ठा खुला था पाकिस्तान का, वो भी याद है। और जिस हिसाब से कोई अननोन आदमी जाकर के पाकिस्तान के तमाम टेररिस्ट के मत्थे पर कलेजे पर गोली दाग दे रहा है, जिसको खुद पाकिस्तान ने यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को कहा कि भाई हमारे लोगों को मार रहा है, तो वो इन तमाम चीजों को लेकर के पीओके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए फिर से दोबारा टेररिस्टों को रोटी बोटी देना है, उनको पालना पोसना है, और उनको इतनी जगह देनी है कि वो फिर से तैयार हो जाएं भारत के विरोध में अपनी भूमिका निभाने के लिए। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं, इतने बुरे हो चुके हैं कि 8 लाख से ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वहां से निकल करके दूसरी जगह नौकरी ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। अब हालात बद से बदतर
होते चले जा रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा होता चला जा रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि जितने भी अफगानी हैं या जितने भी तुर्किस्तानी हैं या जितने भी और जो बाहर मुस्लिम देशों से आए हुए हैं उनको निकाल दिया जाएगा। आप हम मुझे और आपको याद होगा कि इससे पहले भी इन्होंने अफगानियों को निकाला था और इनकी जमीन जायदाद सब हड़प कर लिया था। इवन कार्ड से कहा था पेमेंट करने के लिए तकरीबन 80,000 रुपए तभी तुमको बॉर्डर पार करने देंगे। उसके बाद फिर अभी कल देखिएगा, कल फिर 8 लाख लोगों को इन्होंने निकाला है, शहर बदर कर दिया, देश बदर कर दिया है। और कंप्लीट जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है 62 लाख लोगों को वो आने वाले 3 महीने में निकाल करके बाहर फेंकेगा और उनकी जायदाद, उनकी संपत्ति, उनका 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 जो प्रॉपर्टी है, सोना चांदी है, उनके जो पैसे हैं वो सब लूट लेगा, वो सब खत्म करके सिर्फ उनको खाली हाथ जो है कपड़े और बोरिया बिस्तर के साथ उनको बाहर भेज दिया जाएगा। अब पीओके हाथ से निकलना, यहाँ तक के ब्लोच में भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन होना, पीओके में भी प्रदर्शन होना, सिंध प्रोवांस में प्रदर्शन होना और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कराची में भी थोड़ी बहुत आवाज उठ रही है जो बहुत दूर से आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में जो सियालकोट पंजाब हमारे भारत में था, फिर एक इलेक्शन के द्वारा उसको पाकिस्तान को दे दिया गया, तो ये 5 जगह से एक साथ पाकिस्तान की सरकार के ऊपर जो एक एक आक्रमण, एक जो अटैक पड़ रहा है और ये 5 जगह एक साथ पाकिस्तान की सरकार को कह रही है कि भाई हमें छोड़ दो, हमको तुम्हारे साथ जोड़ना नहीं है। इसलिए फिर से उन टेररिस्ट को इकट्ठा करके और उनका एक ग्रुप बना करके उनको उनकी भूमिका के हिसाब से तैयार करके रखा जा रहा है कि अगर पीओके लेने के लिए मोदी जी और डॉक्टर एस जयशंकर एकदम तैयार हो जाएंगे तो ये टेररिस्ट उनको हेल्प करेंगे। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीओजेके की जो जनता है उसको डराने के लिए इन आतंकियों को छोड़ा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो देखा है कि जो आंदोलन चल रहे हैं पिछले एक साल से, तो बहुत ज्यादा जोर शोर से पीओजेके में आंदोलन चल रहे हैं, तो आवाम को डराने के का मकसद हो सकता है, क्योंकि इस तरह से आतंकियों को छोड़ना खतरनाक जो कि मोस्ट वांटेड है, इसके पीछे तो यही मकसद हो सकता है कि आतंकियों के द्वारा पीओके की जनता को डराया जाए। अमर, हम सबको याद होगा कि अमेरिका बार बार पूछता था कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है, और भी देश पूछते थे ओसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है, बोलता था नहीं है, और फिर अमेरिका ने एकदम साफ दिखा दिया कि भाई देखो तुम्हारे ही पास है और तुम्हारे घर से निकला है। हाफिज सईद कहाँ है, जब पूछा जाता था तो कहता था जेल में, हमने उसको जेल में रखा है, और जब ऑपरेशन स्कॉर्पियो हुआ तो पता चला कि कराची के एक बहुत खूबसूरत लैविश बंगले में उसको रखा गया था और बड़ी अय्याशी के साथ वो रहता था वहां पर, चिट्ठा साफ हो गया। दाऊद इब्राहिम के बारे में जब भी पूछा जाता है तुम्हारे पास है, बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है। जो टेररिस्ट ने भारत पर हमले किए, जो टेररिस्ट के ग्रुप ने भारत का बुरा करने की साजिश रची, और बहुत सारे भारत के भी पॉलिटिकल लीडर ने उनका समर्थन, उनका सपोर्ट करके भारत में एंट्रेंस दिया, वो लोग अब जब धीरे धीरे मर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पालते हैं टेररिस्ट को और हनी ट्रैप को और स्लीपर सेल्स को। अब क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, एडुकेशन सब बहुत बढ़ता चला जा रहा है, सब बहुत एनहांस होता चला जा रहा है। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर होते थे उन बच्चों के हाथ में अब कलम कॉपी किताब होता है, जिन युवाओं के हाथ में टायर जला हुआ होता था उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा होता है, जिन मुसलमान पुरुषों के जुबान पर गंदी गंदी गालियां होती थी उन जुबान पर अब भारत माता की जय होता है, जिस लाल चौक को इन्होंने अखाड़े का मैदान बना करके रखा हुआ था वो लाल चौक आज हनुमान चालीसा के वहां पर आराम से भजन कीर्तन होते हैं और पूरी जगह पवित्र हो चुकी है। तो जिस हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो जो पीओजेके के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इस इम्प्रूवमेंट का हिस्सा तो हम भी बन सकते थे और हम अभी भी बन सकते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान की सरकार के विरोध में काम कर रहे थे और पाकिस्तान की सरकार के विरोध में नाराबाजी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंबर जैदी जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की पाकिस्तान की और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में, और मुझे लगता है भारत सरकार को जल्दी कुछ बड़ा फैसला करना चाहिए और पीओजेके को जो है वो भारत में उसका विलय कराना चाहिए और अखंड भारत की ओर मोदी सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर
जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।